हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, शाम का टाइम हो चुका है, इवनिंग टाइम। तो मुझे पता चला था कि बंदरों ने जो है ऊपर वाले कमरे में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रखा है। तो अभी मैं झाड़ू लगाने के लिए जा रही हूँ, वहां पर सुनवाऊंगी, देखू क्या तोड़फोड़ मचा रखी है। कल हमारे सेकेंड फ्लोर पर जो रूम है उसका गेट खुला रह गया था, तो उन्होंने जमकर जो है तोड़फोड़ मचाई है। और देखिए, इवनिंग ब्यूटी हमारे यहाँ की कितनी अच्छी लग रही है। कई दिनों बाद मैं छत पे आई हूँ। यो तार भिड़ाया है इन्होंने, कमरे में सदान उठा रखी इन्होंने। तो वहां पंज बजे थे, एक बार था, एक अर्धे खुले होल्डर भी तोड़ रखा वो वाला। देखो सारे कमरा कितना गंदा कर दिया। और देखिए, मैं रूम में आ चुकी हूँ और बंदरों ने देखिए कहाँ तक दीवार खराब कर दी है। कल जो है इस कमरे में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है बंदरों ने, कई सारे बंदर थे। और हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें तो खुद ही इतना डर लगता है कहीं बच्चों पे नीचे जाकर हमला ना कर दे। और ये देखिए, ये क्या समझा रहा है अपने पापा को। और जितनी भी क्लीनिंग की थी वो सब खराब कर दी है। ये देखिए बंदर है, कहीं भी बैठ जाते हैं। ये देखिए कैसी दीवारें कर दी है, व्हाइट कलर वैसे है, अलग दिखा रही है ऊपर तक। पता नहीं कैसे कूद कूद कर बैठते हैं कहीं कहीं। तो चलिए यहाँ पर साफ सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी। आप क्या करने के लिए आए यहाँ पे? अच्छा जी, इनसे कहीं बंदर पकड़े जाते हैं? और सबसे पहले आप अपनी चप्पल सीधी करो। आप दोनों ने चप्पलें उल्टी क्यों पहनी है? चप्पल सीधी करो। मुझे कहीं दिखाई दे रही है। हाँ रुसी, तोड़ दिया मैंने। हाँ ये तोड़ दिया, वो बाल्टी खराब होगी बेटा धूप में। हाथ करके बताओ कितना डर लगता है? मंकी से मुझे गोली पकड़वा दे तो फिर मार दूंगा उसे। क्या मार दोगे मंकी को? तलवार। अच्छा, और आप क्या मारोगे? क्या मार? तलवार। कौन सी तलवार है आपकी? ये कैप किस किसकी लगाई इसने? अच्छा ये बताओ, ये टोपी किसकी है? मेरे पास एक बंदूक है। कितना बार है? और ये क्या है? ये क्या है? ये गोबर। क्या है ये? गोबर। किसका? गोबर है भैंस का। अच्छा, इसके क्या बनाते हैं हम लोग? एक गोशे। उपले। हाँ, उपले है ना। और उपलों का क्या करते हैं हम? उपले 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 के हम उपले उपले को हम पकड़ते हैं। उपलों को सुखाकर क्या करते हैं? चूल्हे में जलाते हैं और उसमें खाना पकाते हैं। चलो पकड़ते हैं इनको, चलो। अच्छा, और ये तो फिरकी मेरी लकड़ी टूट गई, चलो मैं दूसरी ला दूं। चला दी किसने? सटा दी दीवार। देखो मुंकी ने ये
दीवार खराब कर दी। देखिए भाई मंकी ने दीवार खराब कर दी। अच्छा कितने मंकी थे यहाँ पे? दो थे। और उसी कितने थे मंकी? देखो फिर दीवार खराब कर दी मंकी ने। दीवार खराब कर दी? हाँ, अंदर जाके खराब कर दी दीवार। अब हम क्या करेंगे? अब हम सब सफाई। ओके ओके चल। हमारा मम्मी ऊपर कमरा साफ कर रही है। देखिए देखिए कहाँ पे? देखिए देखिए कर रही है। देखिए कमरा साफ कर रही है मम्मी इसका ऊपर। किसे पकड़ोगे आप? किसे? इसे पकड़ोगे? ये मैं पकड़ से। हम तो चल रहे ऐसे। बेटा ऑटो चलो, गिर जाओगे आप। मुझे डर है ना, मुझे तो बाबा बाबा नंदिनी। अब आप नंदिनी को प्यार करोगे ना? हाँ। उसकी छुट्टी, उसकी नहीं छुट्टी नहीं है। देख रही नंदिनी तो इस तरफ भी देखो, दीदी देखो किस तरफ से आवाज आ रही। नंदू करता पहले डाल नंदू। आरुषि किसका बेटा है? आरुषि किसका बेटा है? आर्या मेरी बेटी। अच्छा नंदू ने तो गर्म इनर पहन लिया। बेटा चोट लग जाएगी उसमें, हट जाओ। आरुषि यहाँ पापा के पास आ जाओ। सर्दी हो गई, पंखा तो बंद करते हैं। यहाँ जाओ। सर्दी कैसे हो गई है ना? अभी नहीं हुई है, अभी गर्मी है, पूरे गर्मी है अभी भाई। अभी पंखा बंद नहीं कर सकते, अभी गर्मी है, पसीने आते हैं, ठंड भी लगती है, आधी रात के बाद होती है, सुबह में ठंड होती है, सुबह बहुत जल्दी ठंड होती है ना? इसलिए इसने कपड़े पहन कर रखने चाहिए। क्योंकि सर्दी का मौसम है, बदलाव का मौसम है ना? ठंड लग जाएगी पापा बेटी की बात हो, लगती है ना ठंड है ना? बुरे लगती है भाई, ये झूठ नहीं है।
ये झूठ नहीं है।